कौन दिशा में लेकर चला रे बटुहिया, ये गाना जब भी सुनाई देता है तो जहन में साल 1982 में आई फिल्म नदिया के पार की याद आ ही जाती है, जिसकी कहानी एक लव स्टोरी थी जिसमें चंदन नाम का लड़का अपनी भाभी की बहन गुंजा से प्यार करता है और जब उसकी भाभी की मृत्यु हो जाती है तो चंदन की शादी गुंजा से करा दी जाती है। यही ट्विस्ट से भरी लव स्टोरी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी, जिसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल साबित हुई थी। वर्तमान में इस फिल्म को 29 साल हो चुके हैं और इन बीते सालों में इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार काफ़ी बदल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार। नंबर 5, शीला डेविड। फिल्म में रज्जो का किरदार अभिनेत्री शीला डेविड ने निभाया था, जो चंदन की बचपन की दोस्त होती हैं और उससे प्यार करती हैं, जिसे इन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया था। जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन इस फिल्म में रज्जू का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई यह अभिनेत्री आज पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। ये 40 साल की हो गई हैं और पहले से थोड़ी मोटी भी दिखाई देती हैं और हाल ही में ये टीवी सीरियल संजीवनी में नज़र आ रही हैं। नंबर 4, इंदर ठाकुर। फिल्म में अभिनेता इंदर ठाकुर ने चंदन के भाई ओमकार का किरदार निभाया था, जो कि स्वभाव से काफ़ी सीधे साधे होते हैं, जिसे इन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया था। इनके बाद इन्होंने चटपटी फिल्म में काम किया और इस फिल्म में काम करने के बाद ये किसी और फिल्म में नज़र नहीं आए, क्योंकि एक प्लेन हादसे में इनकी मृत्यु हो गई और इस तरह ये इस दुनिया को अलविदा कह दिए। नंबर 3, मिताली। अभिनेत्री मिताली ने इस फिल्म में रूपा का किरदार निभाया था, जो चंदन की भाभी होती हैं और एक हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है, पर इन्होंने भाभी का किरदार काफ़ी अच्छे से निभाया था और अपने इस किरदार के साथ खूब सराहना भी हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपने निजी जीवन में व्यस्त हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी फिल्मी दुनिया में वापसी नहीं की और हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। नंबर 2, सचिन पिंगोलकर। इस फिल्म में अभिनेता सचिन पिंगोलकर ने चंदन का किरदार निभाया था और उसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया था। इस फिल्म में इन्होंने जोगी का मुख्य किरदार निभाया था और यह फिल्म में गुंजा से प्यार करते हैं और आखिरकार उनसे शादी कर लेते हैं, जिसे इन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया था। इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों और सीरियल में काम किया, लेकिन इस फिल्म में काम करने वाले अभिनेता आज पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। ये आज 62 साल के हो गए हैं और थोड़े बूढ़े भी दिखाई देते हैं। हाल ही में इन्हें वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स में देखा गया। नंबर 1, साधना सिंह। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री गुंजा का किरदार अभिनेत्री साधना सिंह ने निभाया था, जो चंदन की भाभी रूपा की बहन होती हैं और चंदन से प्यार करती हैं, जिसे इन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, साथ ही इन्होंने कई सीरियल में भी अपना अभिनय दिखाया था, लेकिन इस फिल्म में गुंजा का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई यह अभिनेत्री आज पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। आज ये 45 साल की हो गई हैं और पहले जितनी खूबसूरत भी दिखाई नहीं देती। वर्तमान में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और वर्तमान में आई फिल्म सुपर 30 में भी ये नज़र आई। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में किसका अभिनय सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप हमें उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।